हेलो गाइस एंड वेलकम टू एंड द व्लॉग। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक MT-15, काफ़ी लोडेड MT-15 है और कैनन का फिल्टर भी उसमें लगा हुआ है। तो एक स्टॉक का थोड़ी सी ड्रैग भी करेंगे उसके साथ, स्टॉक MT के साथ उसमें लगा हुआ है कैनन का फिल्टर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं R6 और डेटोना, कितनी खूबसूरत मशीन्स लग रही हैं। सो मैं आपको पहले दिखाता हूँ उसमें क्या क्या काम हुआ हुआ है, उसके बाद करेंगे ड्रैग। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ इसमें फेंस है और काफ़ी मिरर, हैंडल बार, यहाँ पे वो लगी हुई थी, डॉल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, बट वो निकल गई, भाई बोले तो छुटा के ले गया कोई। फॉग लाइट लगी हुई है और ये नया वाला जो बोलते हैं ना उसे, नया जो MT-2.0 है। ये देखो, और इसमें अंदर लगा हुआ है कैनन का फिल्टर। तो ये कुछ MT-2.0 विथ कैन एंड फिल्टर और ये है अपनी स्टॉक MT। इसका आपने टॉप एंड वगैरह मैंने यूट्यूब पे डाली दिया है तो वो देख लेना, बट ये पूरी स्टॉक है और ये फर्स्ट जनरेशन वाली है MT-0.1, ये MT-0.2, मतलब 2.0 या 1.0 एक ही बात है। तो ये अपने कार्तिक भाई की, ये खड़े हैं कार्तिक भाई, और ये अपने अमान भाई की, ये है हमारे अमान भाई। तो अब इन दोनों का थोड़ा सा ड्रैग बैटल करेंगे कि कैसा क्या परफॉर्म करती हैं और कैनन के बाद उसमें क्या चेंज आया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ड्रैग करूंगा, देखूंगा कि क्या चेंज आया है, बाकी हम लोग पूरे गियर्स में, आप लोग कुछ भी ऐसा ट्राई मत करना। लेट्स गो ऑन अ राइड भाई। हाँ जी, चलाने में फर्क डालता कुछ? ये तो शो के लिए है यार, नहीं चलाते हुए कुछ नहीं पड़ता। ना 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 ना, कुछ नहीं पड़ता, जो कंपनी देती है बड़ी गाड़ियों में उन पर पड़ता है, क्यों वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद देती है ना सारी चीज़ें। ये तो अब शो के लिए आफ्टर मार्केट लगवा लिया है। देखें कैनन के बाद क्या फ़र्क है, इसकी वर्जन 1 वाली है ना ये? हाँ वर्जन 1 है, ये V2 है। USD का फ़र्क है ना खाली। देखो भाई इसमें कैनन का फिल्टर है, साउंड चेक करो, रेव देना, बंद करो बंद करो, तो मेरे देखो फ़र्क है, उसमें थोड़ा बेस ज़्यादा आ रहा है। सेकंड गियर, सेकंड गियर 30 की स्पीड कर लो, 30 की, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न पे, ठीक है? भाई फर्क तो देखो आ रहा है कैनन का, सुनो सुनो 30 चलो, 30 करो, 30 ठीक है, हाँ 30 करो और फिर 3 पे करना है, ठीक है? 3 ऑन, आओ 30 आओ, स्टार्ट। अभी चला के देखेंगे कैसा फर्क आता है बाकी। हाँ हाँ मैं चलाऊं, चलो 3, हाँ 3 हॉर्न पे करेंगे ना, रुको यहाँ से, इन 3। पिकअप तो मुझे इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अरे मिरर्स, साउंड तो अच्छा आ रहा है। खैर
यार मुझे ना मेरे हाथ चौड़े हैं तो इसकी वजह से हल्का लग रहा, देखो फिर मैं मिला के पकड़ता नहीं हूँ, मैं थोड़ा दूर पकड़ता हूँ तो इस वजह से अभी मैं मोड़ पे गिरने से बच गया, मतलब लीन हुई नहीं गाड़ी है किसका, क्यों पिछला ब्रेक ना, हाँ नहीं आ रहा है वो, आ ही नहीं रहा है, चुपक बीच में चुपक गया होगा कहीं, हाँ क्योंकि वो पिछला ब्रेक नहीं आ रहा है, मैं जब ही तो बता रहा था आपको उस टाइम। चलो कप्तान मुझे आप बंदिश लग रही है, पता बंदिश लग रही है यार, लग रही है ये वाली ना, अरे शायद इधर जाना था कप्तान, व्हीली ट्राई कर रहा हूँ चलो सो बॉयज, सो चलो एक एमटी का परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपको दिखा दिया मैंने, ये इसका पिकअप मुझे ज़्यादा लग रहा है, वो स्टार्टिंग में मुझसे पहले थोड़ा निकला, मैंने लेट लॉन्च करा इस वजह से वो आगे निकल गया, बट अगर दोनों बंदे अगर एक साथ लॉन्च करेंगे तो ये जीत जाएगी मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये चलाने में अलग ही फील हो रही है, देखो पंच देखो थ्रोटल में ना, थ्रोटल में अलग ही पंच आ रहा है। सो खैर बस इतनी ड्रैग रेस थी, खैर अब मैं स्विच करता हूँ अपनी RR के ऊपर, इन 3, 2, 1 आ चुके हैं अपनी वापस 310 पे और ड्रैग रेस के ब्लॉग को भी अब करते हैं एंड यहाँ पे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ड्रैग रेस, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, चले राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय, और कुछ भी ट्राई मत करना यार ऐसे तुम लोग, चलो।